आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो बात कर लेते हैं भिवंडी के खोखा कंपाउंड की। जी हां, भिवंडी के खोखा कंपाउंड में देर रात गए एकता मंडल मित्र मंडल के गणपति को बीच रास्ते में रोक दिया गया। इस खबर को सुनते ही तमाम जगहों से लोग कृष्णा कॉम्प्लेक्स ACP ऑफिस के सामने पहुंचने लगे। इस बात की तफ्तीश के लिए हम भी वहां पहुंचे कि आखिर गणपति बीच सड़क पर क्यों रोक दी गई, जिसके बाद पता ये चला कि जिस रोड से गणपति गुजरने वाली है उस रोड पर गहरे गड्ढे हैं, जिससे मूर्ति के गिर जाने का डर था। इस मंडल के लोगों ने गणपति को उस जगह पर रोक दिया और अपनी नाराजगी को जाहिर किया कि जब तक रोड नहीं बनेगा गणपति को बीच सड़क पर ही खड़ा रखेंगे, क्योंकि मंडल के अध्यक्ष ने बताया है कि हमने गणपति के आने से कई रोज पहले ही मनपा को लेटर दिया था कि रोड की हालत ठीक नहीं है, लिहाजा इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि गणपति की मूर्ति ले जाने में कोई दिक्कत पेश ना आए। लेकिन मनपा की लापरवाही से रोड ना बन सका, इसलिए मंडल वालों ने बीच सड़क पर ही गणपति को रोक दिया। हालात को देखते हुए वहां पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक के इंचार्ज भी पहुंचे, मगर मनपा का कोई भी शख्स वहां नहीं पहुंच पाया। हमने मंडल के लोगों से बात की और उनकी नाराजगी के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने बताया। आज हमारे एकता मित्र मंडल की गणपति को गए 50 साल से हम यहाँ गणपति बिठा रहे। वो खोखा कंपाउंड एक ऐसा जगह है जहाँ से लूम लाइन, साइजिंग, डाइंग, कमिश्नर साहब के यहाँ से भिवंडी महानगर पालिका को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला एरिया ये है। और यहाँ पे गए 15 दिन पहले हमने एक निवेदन दिया था आयुक्त साहब को कि हमारी गणपति 15 फीट की है, इस बार हमारा 50वां साल है, आप हमें पूरा रास्ता मत बनाओ, पर हमें एटलीस्ट आप 50 मीटर का रास्ता बना के दो जहाँ तक परिस्थिति खराब है, उसके बाद भी उनके गांव में जू नहीं रहेंगी। हमने 5 दिन पहले भी निवेदन दिया और 2 दिन पहले भी निवेदन दिया, अगर आप 2 दिन पहले जो निवेदन दिया हमने बताया अगर आप रास्ता नहीं बनाओगे तो हम गणपति बीच रास्ते पे लगाकर छोड़कर हम यहाँ से चले आएंगे, हमारे गणपति आप हमको हमारे मंडल तक पहुँचा के दो। तो ये जब आपने निवेदन दिया तो तब आयुक्त साहब का क्या कहना था? उनका कुछ कहना नहीं, उनका कहना है टैक्स भरो। आज जो जनता 20 साल 25 साल 30 साल से जो टैक्स भर रही है वो टैक्स महानगर पालिका अपने घर पे लेके जा रही है, वो अवैध निर्माण जहाँ हो रहा है वहां जाके बरोबर घुसखोरी कर रही है, रस्ते का 2 करोड़ का टेंडर निकाल रहे गड्ढा भरने के लिए, ये 2 करोड़ कहाँ गया? ये साले आधा पैसा अपने घर ले जाते आधा टेंडर वाले लेके जाते, ऐसे लोगों भ्रष्ट नेताओं को और इनको शर्म आनी चाहिए। आज बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी है भिवंडी के बहुत सारे कोने में, उनको रास्ता है, उनके लिए बारिश नहीं है, उनके लिए कोई सुविधा है। आप अपने गणपति के बारे में जो आपने रोका है उसका वजह बताइए कि क्यों रोका है यहाँ पे? आपने कमिश्नर को फोन किया था? हमने कमिश्नर साहब को भी फोन किया, हमने सिटी इंजीनियर को भी फोन किया है, हम उनको ये निवेदन दे चुके और बता भी चुके कि हमको रास्ता नहीं, अगर आप रास्ता दोगे तो हम अपनी गणपति लेके नहीं जाएंगे। फिलहाल आपने फोन किया? कमिश्नर साहब ने फोन नहीं उठाया, संदीप नाइक साहब को फोन किया था, उन्होंने रिस्पांस दिया, कॉल करूंगा बोल के अभी तक कॉल वापस नहीं कर रहे। अभी आप क्या कर रहे हैं? हम लोग गणपति यही छोड़ के हम सब चले जा रहे, हमारे गणपति हमारे मंडल में आनी चाहिए, गणपति टूटी तो इसका मुआवजा महानगर पालिका भरेगी। हमारे को हर एक मंडल को तकलीफ होती होगी, कोई मंडल वाला अगर मेहनत करेगा ऐसा और उसको अगर मूर्ति लेके जाने टाइम में अगर कोई हादसा हो गया तो मुसलमान का नाम आएगा, तो कोई क्रिश्चियन का नाम आएगा,
तो ऐसा हमको नहीं चाहिए। हम पहले से तुमको निवेदन दिए कि साहब ये रास्ता बना के दो, क्यों नहीं? हम सब जगह दिए ना, दो दो करोड़ का तुम टेंडर पास करते, दो करोड़ का खड्डे बुझाए के बताओ। अगर हम लोग बोलते तो हमको हम चाबी दे रहे थे, गाड़ी तुम लेके आगे हमारे वहाँ तक पहुँचा दो, बोले हम जा रहे मंडल में। अगर महानगर पालिका इसके ऊपर सीरियस नहीं ली और ये तो मूर्ति आटेंगे नहीं, आज तक रखेंगे हम मूर्ति आटेंगे नहीं, 10 दिन यही पूरा कर लेंगे। अच्छा हाँ, क्या करने का मूर्ति भी क्यों आटा है? इसमें मूर्ति का अपमान नहीं होगा? मूर्ति का अपमान क्यों होगा? महानगर पालिका का शर्म है क्या? फिर उनको समझ में नहीं आ रहा क्या? मूर्ति करना है तो 15 दिन से हमने चिल्ला रहे, क्यों नहीं हमारे वाहन भरे? टैक्स किसका है? किसका टैक्स बाकी? पूरा कारखाना एरिया इधर, हाँ सब लूम लाइन वाले, वो लोग थोड़ी टैक्स रखते है, उनका थोड़ी टैक्स बाकी है। अच्छा, ये जो रास्ता खराब है कितने सालों से? ये कम से कम 20 साल से रोड बना नहीं है। अच्छा। इसकी भी हमने माहिती मांगा है। हाँ। लेकिन क्यों हमारे इधर करते ही नहीं है? क्या है? रोड पास हुआ है, रोड पास हुआ है, हर बार रोड पास होता है तो कर्त कौन लेके जाता है? चोर कौन है? हमने 4 साल से अर्जी मारे, 4 साल हो गए, हमने हर एक बार अर्जी मारते गणपति के टाइम पे, लेकिन कोई हमको ये करते नहीं। और हमारी मूर्ति बड़ी है, और हमने 15 दिन पहले ही बोला था कि 14 दिन की मूर्ति है, हमारे पास पुरावा है और सब है। हमको इतना है कि हमको रास्ता बनाएगा ना, हमको कुछ मांगता नहीं है तुमसे। मेरा नाम इब्राहिम मोमिन है, मैं यहाँ बचपन मेरा गया, मेरा 30 साल उम्र हो गए, और मैं जब से देख रहा हूँ आज तक मेरे को अभी ड्वांबर का कभी नामो निशान यहाँ पे दिखा नहीं। और आज ऐसा हालात है, आज हमारे हिंदू भाई है, इनके साथ हर साल हम लोग घर रहते, लेकिन हर साल हम देखते यही तकलीफ में लोग बेचारे हर साल यही हिलते डुलते गणपति जाता है। कभी कुछ कम ज्यादा होगा तो इसका जिम्मेदारी कौन है? ये हर साल यही रहता है। अभी मेरा भी बोलना ऐसा, हम लोग का हर हम लोग बोल बोल के थक गए, हम लोग छोड़ दिए, क्योंकि हमको समझ में आया कि हमारी कोई सुनवाई है ही नहीं। हम लोग को ऐसा लगता है कभी कभी इधर कोई रहता नहीं है, चल इसके लिए लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन इन लोग उनको ये नहीं समझ में आ रहा आगे पूरा 4-4 मंडल है, उनकी 4-4 मंडल की गणपति जाती है और हर साल जाती है, और हर साल हम लोग ने निवेदन दे के हम लोग ने म्युनिसिपैलिटी को थक गए। और ऐसा हो गया कि म्युनिसिपैलिटी, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद हमको इधर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, ऐसा लगता है हमारे एरिया में तब भिवंडी में है ही नहीं, लिस्ट में ही नहीं है। आपने जो है महानगर पालिका को ही निवेदन दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं, उनके बारे में ये रोड के बारे में अभी जिम्मेदारी को जिम्मेदार जो है उनको बोलना छोड़ दिए, उनका जिम्मेदार ऐसा हो गया कि इलेक्शन आया बस वोटिंग लो खत्म, उसके ज्यादा उनका कोई जिम्मेदार नहीं बनता है। क्योंकि हम लोग ने देख लिया, मेरा पूरा बचपन आ गया, हम बचपन से देख रहे आते, वही उनका बहाना रहता है, वही मैं डालता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, और हम बचपन से सुन रहे हैं। मेरे बीच में सुनाई दिया 5 करोड़ का गटर पास हो गया है, ये करोड़ 2 करोड़ का भी बीच में आलम बड़ा रोड पास हो गया, आरसीसी पास हो गया, ये बचपन से सुन रहे हम लोग। अभी 2 साल से एकदम सुन रहे कि आज बनने वाला है, कम बनने वाला है, और बंद आज तक हमें देखा नहीं। रोड तो छोड़ दो, अरे कम से कम यहाँ पे डांबर रोड बना दो, कम से कम ऐसे चलने जैसा तो बना दो, आदमी यहाँ पे आदमी तो छोड़ो, यहाँ पे जानवर भी नहीं रहेगा, ऐसी हालत है। आप लोग ने मूर्ति रुकाया बरोबर है, मगर ये टाइम पे इतने रात को कोई आयुक्त तो आएगा क्या यहाँ बुलाएगा? तो फिर भी हम लोग आ गया, क्योंकि ये मैसेज में पहले दिया हुआ है, यहाँ के प्रभाग अधिकारी जो है मात्रे उनको यहाँ का मैसेज दिया है, जिस जगह पे तुम लोग कड़ा किया ना उस जगह के न्यूज भी मैं भेजा हूँ उनको। और अपना नारायण गंपोर का भी हालत खराब है, और अपना मारकांडे नगर का भी खराब है, मेरा वार्ड का पूरा दिया हुआ है, वो लोग अभी करता है करके ओके करके भेजा है मैसेज में करता हूँ करके, अभी तक किया है नहीं है, मगर आज का इधर पोजीशन इतना खराब है, कोका कंपाउंड जाने का रास्ता, मैं तो बोल रहा हूँ उनको जगदीश को बुलाया हूँ प्रभाग अधिकारी को यहाँ के, यानी आगे उसका क्या सोल्यूशन निकालेगा उनके ऊपर है, अभी आने वाला है अभी। मूर्ति रखना गुना है रोड पे अपने को, लेके जाना है कैसा भी, नहीं तो अपना अध्यक्ष है यहाँ का, कुछ भी करके यहाँ पर बिगाड़ी लगा के कुछ करके लेके जाना चाहिए, और इनको सीधा उनको सीधा बोल देने का, यहाँ से रोड नहीं बनेगा जब तक ये निकलेगा नहीं गणपति, ऐसे ही रहेगा। अभी लाया तो अपन लाया ना लेके जाएंगे अपन, मगर विसर्जन के लिए रोड रेडी होएगा तो जब ही निकालेंगे, ऐसे बात करके अपन आगे बढ़ाएंगे।